अरे सॉरी बेटा, मैंने देखो ना, वैसे मेरे पाँव साफ है, मैं हवाले नहा के आया हूँ। पावन के निशान तो बन रहे हैं ना, भीतर बैठो जब तक पूजा सूखी नहीं। ठीक है बेटा, मैं भीतर जा रहा हूँ, ये सूखे और नहीं ना जब तक मैं भर नहीं आऊंगा। हेलो, हाँ पंद्रह अगस्त को झंडा लगाने सब रे ठोक में, क्या पैसा ना है? सारे ठेका पे मिल जाओ तुम 8 बजे शटरन पर लटके, और झंडा लगा तुम पैसा ना है? भाई ने बोला है झंडा लगाने का तो लगाने का। और सुन, स्वच्छता को विशेष ध्यान रखना, स्वच्छ भारत अभियान दूसरी बार झंडा क्यों? हाँ ठीक है, हाँ चल ठीक है, मैं पापा से पैसा ले लूँ। पापा, ओ पापा, अब की बार या पार्षद को वोट मत दे दियो, घर के बाहर नाले खोद रखे स्विमिंग पूल, देख लो कहा है कोई पामन को, चप्पल हाथ में लगानी पड़ी है मुझे, लम्बो को 20 रुपया दे दो झंडा ले जाऊंगा मैं। ले बेटा 200 रुपया, 20 रुपया झंडा ले लीजो, और बचे कुछ रुपया इनको ना ते पाम पे प्लास्टर करवा लीजो। अरे पाम टूटे थोड़ी है, ये तो बिगड़ गए, देखो नहीं दीजिए। बेटा तूने पीछे देखी हो? हमारे पामन ने धब्बा रहे हैं, पार्षद से तो कछु किंगे नहीं, कैसे कह देंगे बातें, वोटिंग टाइम पे ले गए पैसा ने और पी गए पौआन ने। हां ओ लाली। हां पिताजी। ले ये रात की रोटी है, इनने कुत्ता इनको डारया। जी पिताजी। का है? डिनर है ये। तू अपने बाप को पैसा फुकरो भग भगा के, सुबह की रूटीन से ब्रेकफास्ट कह करें, आई बड़ी डिनेरा अनपढ़। का कह रहे है अनपढ़? तू अनपढ़, तेरो बाप अनपढ़, रात की रोटी है चुपचाप चल ले। तेरो सबरो खानदान अनपढ़, तेरो चाचा अनपढ़, चाची अनपढ़, और तेरो हैवी बारो आदमी अनपढ़। चुप पै जा मोटे। तो तेरे बाप को खारूंगा मैं मोटे, और तू हमारे नाचे बेता रही है, कुठीला सबरा खत्म कर दियो तैने, चैन रही और लेटरिन के टैंक भर रही है, तोते तो बढ़िया ही सूखी सर रही सी। तो मैं कौन से तेरे बाप का खा रही हूँ? जाया बेटा मूड मत खराब करे। पापा यानी मेरा हाथ तोड़ दियो, एम्बुलेंस बुलाओ। यहाँ जा दोनों जने, मैं बताऊँ तुमने कौन कौन के बाप को खा रहा है। हाँ लाली, तेरे बाप कौन है? पिताजी तुम। हाँ भाई विद्यमान, तेरा बाप कौन है? बाबूजी ये कोई पूछने वाली बात है? तुम्हें मेरे पिताजी, फोटोकॉपी हूँ तुम्हारा, उसका कहेगा तुमने कोई? अच्छा हा? और यहाँ को बाप कौन है? यहाँ के बाप तुम्हें। और तेरा बाप? तुम्हें। तुम दोनों को बाप मैं हूँ। तो तुम अरे आजकल ऐसे हिगवे लग गए जैसे समोसा पर हो। लाली ये झूठी पूजा खत्म है गई हो ना, सब बाहर आ जाइयो, टेस्ट लूंगा तुम्हारा। गप्पू यार, वैसे मार खा के ओंसी आवे लग जाए यार, वैसे तो यार बैठो। लाली ये अखबार पढ़ के बता, का खबर आई है हमें? गली में आज नाव निकली, जोधपुर में लोग घरों में फंसे, नाव से दूध पानी की सप्लाई, एक पायलट का शरीर पूरी तरह जल गया था। शाबाश बेटा, अभी अखबार विद्वान जी को कहते हो। विद्वान जी पढ़ियो या हम, का खबर आई है? क्या आप अपने बाप से परेशान है? आपकी मैया छोड़ के आपको भग गई है, तो आप टेंशन ना करें, आपके शहर में आ गया बाबा बंगाली, जो भर दे आपकी झोली खाली, किया कराया सौतन दुश्मन, पड़ोसन भसी करण। का पढ़ रहा है? सही तो पढ़ रहा हूँ।
सही तो पढ़ रहा पर कोई डंकी खबर पढ़ ले बहन भी अटिन ने तो देख लेना का दे मैं का करूं मेरी नजर ऐसी चीजन पे जावे तुमने सारे फोन आ रहा है रिंगटोन बदल लिया है कांटा लगा रही है चुप पहले तो बताऊंगा भैया हेलो हाँ साहब अरे अरे साहब कर दियो ना साहब पूरा का गड़बड़ है कितने की 20 रुपया की अरे साहब टेंशन मत लो तुम मैं आध घंटा में अपने लाला लालिन पे हिसाब करवा के दे दूँ तुम्हारे का हाँ हाँ ठीक है साहब मैं फोन रखूँगा है ना मेरे लाला लालिन पे हिसाब करवा लूँ लाली ये क्यों यार हिसाब में 20 रुपया की गड़बड़ी है कहाँ पे पिताजी मैं मेरी गणित बेकार है मैं गप्पू भैया जी पे करवा लूँ गप्पू भैया जी कहाँ दिया खरो है विद्वान जी या हिसाब करो पापा मुझे जो बताओ क्या यहाँ हिसाब में 20 रुपया कम है के ज्यादा है मुझे ना पता है हम कम है के ज्यादा है बस यहाँ हिसाब में 20 रुपये गड़बड़ी है मुझे जो बताओ गड़बड़ी खाए अरे यार ले 20 रुपया अगर एक कम हो तो बाकू दे दियो अगर ज्यादा हो तो मेरे नाम की शंकर बीड़ी पी लियो तुम भी क्या याद रखेंगे क्या छोरी पे तो सीख ले कछु कितने खुशी आ रही है तो पे तो फालतू में पैसा फोकरो बकाबक पापा मैं तो अच्छी बच्ची हूँ ना हाँ तू तो मेरा अच्छा बेटा है एकदम पापा मैंने सुना है कि आप गप्पू है गटर में से उठा के लाए जब खुदन की औलाद ही ऐसी निकलेगी तो गटर बार इनते काम चलाना पड़ेगा ना गटर में से उठा के लाए अच्छी बच्ची हूँ ना बेहतर सी दंगो ये घूसा निकल जाएगी दीवार में पार हवा लगी तू सारे छोरी से ऐसे कैसे बोल रहा है बाहर निकल जाते निकल बाहर और तू भीतर चल यारों घर वाले ने तो कतई गली को कुत्ता समझ रहा हूं तो सही समझ रहे हैं ना सारे ज्यादा बोल लोगा घासा भर दूंगा पिछवाड़े में चुप पै जाने ये तू ठंडो पर ले दारू पी बच गो तू दारू के चक्कर में सिगरेट भी लाओ ना लाओ ये सब सौदा सेट है सिगरेट चाहिए यार सिगरेट में चढ़े ना समझे घर कोई दिक्कत ना हमने पता होती नहीं और नहीं यार सिगरेट विगरेट बहुत जरूरी है ले तू ले रे ए ए ए गाना सुना यार गाना सुना अरे गाना तो पीछे सुना है पैग जहाँ की रीत जहाँ मैं उसकी बात बताता हूँ मैं ब्रज का रहने वाला हूँ मैं ब्रज की बात बताता हूँ है पैग जहाँ की रीत जहाँ RSRC से भेद नहीं अरे सबसे हमारा नाता है RSRC से भेद नहीं रे सबसे हमारा नाता है हमको कुछ आए ना आए भैया पैग बनाना आता है गप्पू तू तो तगड़ा देशभक्त दारूबाज है देशभक्ति तो याद आई हाँ 15 घंटों फोन कितने बज रहा मेरा ये रे मो पे छोड़ गो तू कल हेलो हेलो कहाँ है नहीं हो पार्क में बैठा हूँ कब तक आवेगो 5 बजे तक आ जाऊंगा तो 5 तो बज गए दस मिनट में आ रहा हूँ बताओ काम बताओ तुम 10 मिनट में आ रहा हूँ अरे वो लाली दार बनावे की कुकर ना मिल लो कुकर कहाँ है हाँ तो मैंने कल रिचार्ज करा लियो ना मोबाइल में है कुकर को रिचार्ज थे का मतलब है अरे कुकर बेच के तो रिचार्ज करवाए हो घर आ जा तू तेरी सीटी लगाऊंगा मैं आ रहा हूँ पापा घर बुला रहा हूँ मटर पनीर बना के तैयार है यार मटर पनीर खाऊंगा यार अब क्या लेके जाइए आओ सुनो अब मेरी बात देशभक्ति तो याद आयो दोबारा 15 तारीख को घर पे झंडा लगाने भाई ने बोला है लगाने का तो लगाने का 15 अगस्त को झंडा लगेंगे झंडा समझ गो गप्पू तो झंडा तो लग गए अब इतने का ही लगा रहा हूँ झंडा ने 15 तारीख का तो आ जाना है स्वामी देखियो खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया देखो यार अब देखो तुम ये बहुत अच्छा नाटक कर रहे हैं हम स्कूल में बिल्कुल भाई साहब नशा मुक्ति अभियान है पर यहाँ पे तुमने 2 गलती कर दी है तुम्हें पता हो तो एक तो देख जा जगह सिगरेट की जगह चौक लेनी है घुसन नहीं देंगे भाई साहब सिगरेट लेके स्कूल में और जो तुम दारू ले आए ना यहाँ पे जा जगह पेप्सी लेनी है भैया उतने घुसन देंगे बाकी हमारा बढ़िया कर रहे हैं एकदम मस्त है एकदम इसको पीना है पागल मत बनावे तू यहाँ पे बैठ के दारू और पी रहा तू ना बहन तेरी कसम एक्टिंग कर रहे हैं तेरी कसम बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं नशा मुक्ति अभियान पे हमारा नाटक है 15 तारीख को देख के तो मस्त एक्टिंग कर रहा तेरे पापा तक जा रही हूँ मैं पापा ते मत कियो पता क्यों पापा मुँह मार देवे गो और तो ये पता हो हमारे कोई भैया तो आई ना सके मम्मी ना आए बन से कौन आगे बढ़ावे गो तेरो ब्याया जावे गो तो फिर पापा की सेवा कौन करेगो मैं मर जाऊंगा तो तू ही बता चल गप्पू तू घर चल मत कियो दारू मत पियो अपने आप संभाल लूंगा
आगे विद्वान जी तुम कहाँ पे? कौन आ माइयो मंदिर में बैठो पूजा। ये दारू पी रहे दोस्तन के साथ, सिगरेट और फुगरो वहाँ पे भरे पार्क में। दारू पी रहे ना पापा? मैं दारू ना पी रहा, मैं तो 15 अगस्त की तैयारी कर रहा हूँ। 15 अगस्त को नाटक है ना बाप, मैं थोड़ा तो बुक करूंगा नशा मुक्ति अभियान रहू। हाँ कब को लाला 15 अगस्त? कल तेई है। पढ़वे के ना को गए पता ना पढ़वे मर जा चाहते हैं। दारू पे भाई पार करना सिगरेट के फर्रा उठे तुम्हारे हाथे बस छोड़िए और दिया रोटी और बनियाते या घर से बाहर निकल आ मत चाहिए या घर में दोबारा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मैडम, देश तो आजाद है गो, अब हम तो बंधन बना लियो। क्या है यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम? काचू ना बैठो, तुम से सेटिंग करवे आया हूँ। जाके अगली सीट में बैठो। आई को बैठो, तुम से सेटिंग करूंगा मैडम। तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया तुम्हें? मैडम माँ बाप ने तो काचू ना सिखाया, अपने आप ही सीख रहे हैं। माँ बाप कहाँ सिखाएंगे मैडम, सुन लो ना मैडम। मुझसे हाथ टच मत करो, दूर रहो। मैं तो सब कुछ कर लूंगा। तुम जैसों की वजह से माँ बहन घर से बाहर निकलना बंद कर देती है। तो कहा है को तुम मत निकलो बिल्कुल। ओए क्या कर रहा है भैया? सेटिंग कर रहा हूँ। तू जाने को नहीं, बहन है मेरी। तो कहा है को तेरी तो बहन है, मेरी बहन थोड़ी है। तो छेड़का ही रोया है। तो कहा है को छेड़ो कोई गलत बात? अच्छा छेड़ो गलत बात ना है? बिल्कुल ना है, कहा है छेड़ो गलत बात? रुक जा पुलिस को फोन कर रहा हूँ, वो बता भाई सही बात है कि गलत बात है। अपनी बहन पे आई जब तो पुलिस को फोन कर रहा हूँ, दूसरे की बहनों ने तू छेड़ा डोला है बाको का मतलब? अरे मैडम जी क्या हाल है? 2-3 दिन आते पार्क में आ रही है, हम तो मेल मिलाप बढ़ा लो कछु, हम तो फ्रेंडशिप कर लियो। हेलो मेरे भाई को जानता है या मेरे बाप को जानता है? अभी बोल दूंगी ना तेरे सबरे हाड़ ने तोड़ के रख देंगे। मैडम तुम कह दो, बदनामी होगी तुम्हारी होगी, तुम्हारे ही पार्क में आवो बंद करा देंगे अबे। कह दियो जाके पार्क में तो तेरे जैसे इनको आवो बंद करवाऊंगा बहन के मामा। देश है आजाद हुए 75 साल है गई, पर जब तक तुम जैसे मानसिकता के आदमी या देश में है ना, घर की बहन बेटी कबो आजाद नहीं है बेगी। सुधर जाओ लाला, सुधर जाओ, कछु ना धरो, सबन के घर में बहन बेटी रहे में। और बहन तुम वो माफ कर दे, मुझे बहुत ज्यादा बुरो लग रहा हूँ कि तेरे संग मैंने ऐसी हरकत करी, पर मैं कहा करूँ इन जैसे आदमी को सिखावे को कोई और रास्ता ना, इनको सही रास्ता पे ले जानो है। मुझे शर्म आती है आपको अपने भाई कहने से। सॉरी भाई, अब चले जाए यहाँ से। कन्या के बिना अधूरा है परिवार, जब कन्या ही ना होगी घर में तो कैसे मना पाओगे रक्षाबंधन का त्योहार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। राम राम भैया, ये वीडियो तुमने बढ़िया लगी हो तो लाइक कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो दरोगा गप्पू। और भैया दरोगा गप्पू टीम की ओर से आपको इंडिपेंडेंस डे और रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई साहब। जय हिंद, जय हिंद।